यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के माहौल के बीच भरूच शहर में रहती वैसे कई विद्यार्थी वहां पर मेडिकल पढ़ाई के कारण वहां पर फंस पड़ते हुए अब यहां पर रहते वैसे परिवार में काफी गहरा चिंता का माहौल छाया है। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारतीय कई विद्यार्थी वहां पर अपने पढ़ाई के सिलसिले में फंसे पड़े हैं। ऐसे में यूक्रेन में बिगड़ रही हालत के बीच भारत में रह रहा वैसा विद्यार्थियों का परिवार काफी लगातार तनाव और चिंता के माहौल में रह रहा है। भरूच के कई विद्यार्थी भी वहां पर मेडिकल पढ़ाई के लिए वहां पर फंस पड़ते हुए परिवार में काफी चिंता का माहौल छाया है। जहां भरूच के कोट पारसीवाड़ विस्तार में रहती आयशा शेख भी MBBS के पढ़ाई के लिए पिछले 5 सालों से यूक्रेन में रह रही है। 15 दिन पहले ही वो वतन आई थी। यूक्रेन की यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन परीक्षा लेने का इनकार करने के कारण वो वापस यूक्रेन लौटी थी। तो वही यहाँ पर युद्ध की परिस्थिति निर्माण होने के कारण अब वो वहाँ पर फंस पड़ी है, जहाँ आयशा और उसके परिवार भारत सरकार के पास मदद की गुहार लगा रहे हैं। अपने परिवार तथा लड़की को भारत वतन वापसी के लिए सरकार द्वारा कोई जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए वैसी आयशा शेख के माता पिता तथा भरूच तंत्र द्वारा गुहार लगाई जा रही है। जहां आज मीडिया द्वारा आयशा शेख के परिवार के साथ रूबरू होते हुए माता द्वारा लगातार अश्रुभीनी आंखों के साथ PM मोदी को उनकी बेटी सहित तमाम भारतीय विद्यार्थियों को वतन वापस लाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी, जिसमें कहीं ना कहीं छुपी तरीके से उनके द्वारा इलेक्शन का माहौल साइड में रखकर तमाम विद्यार्थियों को सही सलामत भारत अपने परिवार के पास वापस लाया जाए और जल्द से जल्द कोई कड़ी कार्यवाही की जाए वैसी मदद लगाते हुए अपनी वेदना को व्यक्त किया था। जहां परिवार ने अपनी लड़की के साथ वीडियो कॉल के जरिए रूबरू होते हुए लड़की आयशा शेख द्वारा किस प्रकार से वो परिस्थिति का सामना कर रही है उसकी भी जानकारी दी थी। हेलो, मैं सबिया मुस्तफा शेख भरूच से रहने वाली हूँ। आयशा शेख मेरी बेटी है जो यूक्रेन में पढ़ रही है और मेडिकल स्टूडेंट है और तर्नोपिल में है। वो वहाँ पे फंसी हुई है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि किसी भी तरह से इंडिया के सारे बच्चों को और मेरे बेटी को और आशिता और जितनी भी दीवियाँ जो भी है उनको लेके आए, जल्द से जल्द करो, क्योंकि वहाँ ब्लैकआउट हो जाएगा। वहाँ मार्शल लॉ आने वाला है, ला दिया गया है, न इनके पास खाना पीना हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, पैसा भी नहीं है, वो खाएंगे पिएंगे भी कैसे। हाँ, तो मेहरबानी करके किसी भी हालत से बच्चों को कहीं से भी लेके आ जाओ। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को अपील करती हूँ, गुजरात गवर्नमेंट को अपील करती हूँ, भरूच की जो कलेक्टर है उनको भी अपील करती हूँ कि आप आगे आएँ और बच्चों की हेल्प करने के लिए आगे आप अपील करें, मेहरबानी करें, प्लीज़ इतना कर दो कि हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए। माँ बापों की जो हालत है, बच्चों की तबाह क्या हालत होगी, वो तो छोटी उम्र के बच्चे हैं और इंडिया के भावी डॉक्टर हैं, इनके लिए तो आपको आगे गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। तो मेहरबानी करके आप जल्दी से जल्दी बच्चों की लाने की कोशिश करें, बस मेरी यही अपील है। और बहुत दिल से कह रही हूँ आप कुछ भी कर लो, मेरे बच्चों को ले आओ, सब बच्चों को ले आओ। एक माँ बाप अपील कर रहा है, माँ बाप का हाल क्या है आपको मालूम नहीं है, ना खाया है ना पिया है ना सोया है हम लोगों ने। और इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी वालों को सोचना चाहिए था पहले से कि सब होने वाला है, तो फिर इनको पहले से ही प्लेन की कर देना चाहिए था बुकिंग बच्चों के लिए। टिकट भी कितनी महंगी कर दी है इंडियन गवर्नमेंट ने, ऐसा करना चाहिए बच्चों के साथ। और मैं तो कह रही हूँ, मोदी जी को कह रही हूँ कि आप किसी भी हालत में बच्चों को लेके आओ, अभी छोड़ो इलेक्शन का मामला, यहाँ पे बच्चों का मामला लाओ, बच्चों को लेके आओ जल्दी से, बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ।